काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। सो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है एंड कुछ लोग काफ़ी प्रॉब्लम से फेस कर रहे होंगे क्योंकि पोर्टल काफ़ी जैसे आप सबको हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि पोर्टल बंद हो गया, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं है सच, क्योंकि जो हम यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट यूज़ करते हैं तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कम आती हैं, और अगर आती भी हैं तो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इंडिविजुअल यूज़र्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब इस तरह का कोई ड्रॉ वाला सिस्टम है, जब बहुत रश हो जाता है। तो होप आप में से भी काफ़ी लोग जो फेस कर रहे होंगे इश्यूज, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए इफ़ यू आर फेसिंग दोज इश्यूज और नॉट। बाकी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 14 से रिजल्ट्स शुरू हो जाएंगे, तो फर्स्ट लॉट में जितने लोग अप्लाई कर देंगे मतलब 14 से पहले, तो उनका जल्दी रिज़ल्ट आने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जितने भी ये लॉट हैं उनमें से उन्होंने बैलेट में से नाम निकलेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप 14 से पहले करें। बाकी एक दो अपडेट्स आपको और बताएंगे इससे रिलेटेड, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक महीने तक ही चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा। द पॉइंट इज़ होना ऐसे है कि आप सबको मालूम है 1000 वीज़ाज़ हैं इस वीज़ा के लिए, जो जिनको ये वीज़ा मिलेगा वो तो सबको मालूम है, लेकिन नोबडी नोज़ कि आप ये मत समझ लीजिए कि 1000 नाम ही निकलेगा, ठीक है ना। नाम उससे कई गुना ज़्यादा निकाले जाएंगे। रीज़न क्या है? रीज़न आपको हमने पहले भी बताया कि बैलेट में अगर आपका नाम आ जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा के लिए उन्होंने आपकी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से देखना है, आपका SOP समझना है, आपके USPs देखने हैं, मतलब उसमें फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी पार्ट टू में जिसका नाम आ जाएगा, तो उसके बेसिस पे ग्रांट होना है। तो उसमें अगर आपका कुछ प्रेजेंट नहीं कर पाते आप, या आपका प्रोफाइल में उस तरह से डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगी हुई, तो वो रिफ्यूज़ हो सकता है, और ये चीज़ ऑस्ट्रेलियंस भी जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अगर आप जानते हो रजिस्ट्रेशन में 25 अप्रैल तक वैलिड रहता है जब आप इसमें रजिस्टर करते हो, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 25 अप्रैल तक वो रिज़ल्ट निकालते रहेंगे। अब इतनी दूर तक रिज़ल्ट क्यों निकालते रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उनको मालूम है कि पहले लॉट में इतने कैंडिडेट्स उनको सक्सेसफुल कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, हालांकि नाम निकाले जाएंगे, राइट। और उसका सीधा रीज़न ये है कि अगर आपने आपका बैलेट में नाम आ गया बट आगे फाइलिंग में प्रॉब्लम है, या आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वीज़ा ग्रांट होना है वो आपको नहीं मालूम है, तो वो वहाँ पर इंप्रेशन जिस तरह का पढ़ना चाहिए नहीं पड़ेगा, तो रिफ्यूज़ल हो जाएगा। तो दे नो कि हम उन्होंने रिफ्यूज़ करने हैं कैंडिडेट्स, तो इसका मतलब सिंपली यही है कि आप ये मत समझें कि सिर्फ 1000 नाम निकलेंगे और काम ख़त्म हो जाएगा, नाम वो निकालते रहेंगे, 14 से शुरू हो जाएंगे। बाकी जो हमारे से करवा रहे हैं आई विल कॉल देम स्मार्ट पीपल, क्योंकि जो डिसीजन सही टाइम पे सही वक्त पे लेता है ना इंसान, उसको वो बहुत हेल्प करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको इधर से उधर होना पड़ता है, राइट। जो सही फैसला ले जाते हैं दे आर सक्सेसफुल, और जो नहीं ले पाते सोचते रह जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है ना। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपको पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने। सो बी स्मार्ट, कॉन्टैक्ट अस फॉर फाइलिंग एंड विल डू द जॉब फॉर यू विदाउट एनी डिले। एज का भी आपको बताते हैं, कई पूछते हैं कि हम 30 के हो गए क्या हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसका ये है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स थोड़े सिंपली 30 से नीचे हो तो फिर तो एलिजिबल हो ही हो, अगर आप 30 क्रॉस कर मतलब 30 क्रॉस कर चुके हैं या 30 के हो चुके हैं तब भी आप एलिजिबल हैं बैलेट के लिए भी, और अगर आपका रिज़ल्ट आपके 31 क्रॉस करने से पहले निकल आता है तब भी आप मेन फाइल के लिए भी एलिजिबल हो। मैं फिर से समझाता हूँ, अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं यू मस्ट अप्लाई फॉर द बैलेट, ठीक है ना। और बस फिर आपको ये वेट करना है कि रिज़ल्ट जब आए तब आप 31 के ऊपर नहीं होने चाहिए, मतलब 31 से नीचे ही रहो। एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, जिसका बर्थडे जो 30 का हो चुका है, यानी कि अब चल रहा है अक्टूबर, राइट, जो अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर 31 का होगा और अब इस साल 2 अक्टूबर को 30 का हो गया है, वो एलिजिबल है, और वो मेन फाइल के लिए भी एलिजिबल है
क्योंकि अक्टूबर तक तो इतना टाइम लगेगा नहीं, उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा, राइट? सो दैट मीन्स ही इज़ एलिजिबल फॉर बैलेट ऑल्सो, ही इज़ एलिजिबल फॉर मेन फाइल ऑल्सो. तो परेशान मत होजिए, अगर आप 30 के हो चुके हैं बट आपका बर्थडे आने में नेक्स्ट ईयर 31 वाला टाइम है, खुला टाइम है. इवन मैं तो कहूँगा मार्च अप्रैल तक भी अगर आप 31 के होने वाले हैं तब भी आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि एक दो महीने में अगर आप जल्दी अप्लाई करोगे तो आपका होपफुली, अगर आपका सारा कुछ ओके है, आपने फाइलिंग प्रॉपर बंदे से करवाई, नेक्स्ट अगर आपका नाम आ गया, हमने आपकी प्रॉपर फाइलिंग करी, सब USPs लगाए, तो आपका आने का चांस भी बहुत ब्राइट है. तो मेन फाइल में आप एलिजिबल होंगे और उसके बेसिस पे आपको वीज़ा मिलने के चांस ब्राइट हो जाएंगे. और अगर आपने डिले कर दिया, सपोज आपका मार्च में ही बर्थडे आना है और आप बैठे रहे लेके, और बिल्कुल एंड में जाके नेक्स्ट एक्सटेंशन के बैलेट में आपने अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट लेट आएगा, तब आप 31 क्रॉस कर जाओगे, फिर आप मेन फाइल के एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है? जो तो एक यहाँ पर कहावत आ रही है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब. तो ये वहीं पर है कि जिनकी एज फैक्टर बिल्कुल पॉइंट पर है उनको तो फर्स्ट लॉट में अप्लाई कर देना चाहिए, राइट? बाकी जिनका एज का ओके है, 30 से काफ़ी है, 25-26 ताई, उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि वाई टू वेट, जब आपके पास टाइम है तो यू शुड अप्लाई. तो होप फॉर द बेस्ट, और एवरी यंगस्टर मस्ट अप्लाई. और पिछले वीडियो आप देख लीजिए, आपको एलिजिबिलिटी का भी पता लगेगा, रिफ्यूज़ केसेस को करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी हमने उसमें बताया था, कि सारा आप माइंड में रख के सब चीज़ें एक तरफ साइड पे करके एक बार बैलेट में अप्लाई ज़रूर कीजिए, अगर आपका एज ब्रैकेट में फॉल करते हो आप तो, ठीक है ना? मेट्स की एक अपडेट दे देते हैं कि मेट्स का हमें फिर से एक अपडेट आया है कि नवंबर में ही एक्सपेक्टेड है वो ओपन होगा. तो मेट्स एस्पायरेंट्स बी रेडी, अक्टूबर के बाद आपका आप बैलेट शुरू होने वाला है. सो वी वेलकम ऑल ऑफ यू टू रजिस्टर थ्रू अस, ठीक है जी? तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. Thank you very much.